बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी महागठबंधन की पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। सीटों के बंटवारे के लिए बनाए जाने वाले समन्वय समिति को लेकर घमासान जारी है। रालोसपा और वीआईपी के बाद अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कांग्रेस को अंतिम चेतावनी दे दी है। महागठबंधन के घमासान को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राजद और कांग्रेस ने अपना कुनबा इतना बड़ा कर लिया है कि उसमें बिखराव होना लाजमी हो गया। भाजपा और जदयू से टक्कर लेने के लिए राजद और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा पार्टियों के सहयोग की जरूरत पड़ रही है। इसके कारण दोनों पार्टियां महागठबंधन का दायरा बढ़ाने की कोशिश में लगी हैं। लेकिन अब यही कोशिश उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। एक तरफ रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी शरद यादव के साथ मुलाकात कर राजद को परेशानी में डाल रहे हैं। इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। बिहार के पूर्व सीएम मांझी ने कहा है कि उनकी सब्र की सीमा खत्म हो रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर बनाए जाने वाली समन्वय समिति पर बात आगे नहीं बढ़ रही है। सीट फाइनल नहीं होने के कारण उनकी पार्टी सही तरीके से चुनाव प्रचार भी नहीं कर रही है। अब उन्होंने अंतिम चेतावनी दे डाली है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, मैं जानता हूं कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जीतन राम मांझी किस तरह का आदमी है। वह समन्वय समिति गठित करने के लिए समय सीमा तय करता रहता है, लेकिन अपने अल्टीमेटम पर ध्यान नहीं दिए जाने के बावजूद वे महागठबंधन में बने रहने की अपनी तारीख आगे बढ़ाए जा रहा है। लेकिन हमारा प्रयास है कि महागठबंधन ना टूटे, इसीलिए हम इस अपमान को सहने को तैयार हैं, बशर्ते अगर दिन का भूला शाम को घर लौटाए। राजद के साथ बातचीत आगे बढ़ाए जाने की बात पर उन्होंने कहा, मेरी अब राजद से कोई बात नहीं हो रही है, मैं कांग्रेस से बात कर रहा हूँ। मैंने राहुल गांधी से बात की है और उन्होंने मुझसे कुछ समय मांगा है। मैं समझता हूँ कि राजद को सद्बुद्धि आ जाए तो ये राज्य के हित में होगा। दरअसल महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। राजद और कांग्रेस अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। राजद जहां 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो कांग्रेस कम से कम 80 सीटों पर दावा ठोक रही है। ऐसे में 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के लिए 13 सीटें बचेंगी। अब रालोसपा, हम और वीआईपी किसी भी स्तर पर 3-4 सीटों पर तो राजी होगी नहीं। इसी बात को लेकर महागठबंधन में सहमति बनना मुश्किल होता दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस और राजद के अलावा महागठबंधन की तीनों पार्टियां दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही हैं। कुशवाहा, मांझी और सहनी को लगने लगा है कि अगर कांग्रेस और राजद ने अंतिम समय में उन्हें झटका दिया तो उनके पास भी विकल्प मौजूद होना चाहिए। इसे लेकर इन पार्टियों के नेताओं ने तीसरे मोर्चे का विकल्प भी खुला रखा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।